हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आऊँ। ये जो वीडियो है, रोज़ प्लांट पे सबसे ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है। मतलब ये हर गार्डनर अपने गार्डन में देखता ही है कि ये डिजीज़ होते ही हैं। इनफैक्ट जो लोग रोज़ ग्रो करते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गार्डन में अगर रोज़ आपने ग्रो किए हुए हैं तो ये चीज़ तो होगी ही होगी। तो अगर आप अपने चैनल पर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आज जिस बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है थ्रिप्स। थ्रिप्स एक ऐसी बीमारी है जिससे क्या होता है कि ये हमेशा रोज़ प्लांट के जो न्यू शूट्स होते हैं उन पे लगता है, और जो भी शूट होते हैं उसके टॉप में लगता है। मतलब थ्रिप्स का आपको अटैक मिलेगा हमेशा टॉप में। वो क्या करता है, थ्रिप्स लगने के बाद जो रोज़ के जो लीफ होते हैं उसमें से न्यूट्रिशन सक करना शुरू कर देता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो लीफ होते हैं वो कर्ल करना शुरू करते हैं, कर्ल्ड होने लगते हैं। तो लीफ अगर कर्ल्ड होगा तो प्लांट में जो एक तो लुक भी ख़राब होगा, प्लस जो बर्ड आएगा वो भी सही से फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि पूरा एनर्जी जो थ्रिप्स है वो सक कर लेता है प्लांट के ब्रांचेस से। तो हमें ये चीज़ रोकना है अपने गार्डन में। और ये चीज़ मोस्टली मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ये हमेशा शुरू होता है फेब से। फेब में गर्मियाँ बढ़ने लगती हैं और इस बार तो फेब का जो जो मौसम है सबसे ज़्यादा गर्म रहा है अकॉर्डिंग टू सर्वे एज वेल, कि पूरे 122 साल में इस बार फरवरी सबसे ज़्यादा गर्म रहा है। मतलब हमारे यहाँ पे फरवरी 36 डिग्री और 35 डिग्री था। तो इतना हाई टेम्परेचर में थ्रिप्स और माइट्स ये अटैक फटाफट करते हैं, मतलब इनका प्रोडक्शन बहुत जल्दी होता है। माइट्स कुछ इस तरीके के होते हैं कि आपका जो लीफ का जो फ्लावर का शेप, देखिए ये जो येलो रोज दिखा रहा हूँ मैं आपको, उसका फ्लावर का शेप प्लस उसका बर्ड सब कुछ अजीब टाइप से फॉर्म हो गया, मतलब सब कुछ कर्ल कर गया है। तो ये और जो लीव्स होती हैं वो कर्ल करके ख़राब होने लगती हैं और बर्ड्स भी काली पड़ने लगती है। तो ये हमारे थ्रिप्स का सिम्टम है कि इस प्लांट में थ्रिप्स अटैक कर गया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही में होगा, अब धीरे धीरे सब में होगा। मतलब जितने भी रोज़ प्लांट आपके पास होंगे वो एक एक करके सब में थ्रिप्स का अटैक होना शुरू हो जाएगा। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो करते हैं शावरिंग वो तो कंटिन्यू कीजिए, उसके साथ चाहिए आपको एक इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। आप नीम ऑयल जो है स्प्रे करेंगे तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, नीम ऑयल का उतना इम्पैक्ट नहीं होता है। नीम ऑयल छोटे मोटे डिजीज़ पे ही काम करता है, लेकिन जो थ्रिप्स होता है बहुत ही बड़ा डिजीज़ है रोज़ में। एज अ रोज़ ग्रोइंग में जो थ्रिप्स का जो अटैक होता है वो सबसे ज़्यादा बड़ा माना जाता है। तो हमें उसके लिए हमें इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत है। और इंसेक्टिसाइड में आपके पास कोई भी इंसेक्टिसाइड हो वो आप ले सकते हैं। मेरे पास टफगर या रोगर करके हैं, मैं वो लूँगा। आपके पास जो भी लोकली अवेलेबल होगा आप वो ले लीजिए। कुछ इस तरीके के थ्रिप्स के अटैक होते हैं, कुछ इस तरीके का लीफ का पैटर्न होता है। तो आपको चाहिए बस दो तीन चीज़ें ही चाहिए। आप कोई भी इंसेक्टिसाइड ले लीजिए, मेरे पास रोजर है तो मैं उसको ही आज को आपको यूज़ करके दिखाऊंगा कि यूज़ कैसे करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यूज़ करना है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। ये टफगर के नाम से आता है, टाटा प्रोडक्ट है, लेकिन इसको रोगर भी बोलते हैं। तो बेटर है कि आप ये वाला अगर मिले तो ले लीजिए। और हाँ, ये पॉइजन होता है तो बच्चों से दूर रखिए। बच्चे पेट्स अगर आपके घर में हैं तो उनसे इस बॉटल को दूर रखिए। बाकी पत्ते में डालेंगे तो कुछ तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको दो चार बूंद ही डालना है तो उसमें कोई हार्म नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इस बॉटल को आप जितना हो सके बच्चों से और आपके पास पेट्स रखें तो उनसे दूर रखिए, क्योंकि ये पॉइजन है और इससे कुछ भी हो सकता है। आपको लेना है फ्यू ड्रॉप्स, मतलब 4 से 5 बूंद लेंगे तो बहुत बहुत सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप किसी भी मतलब पानी ले लीजिए, स्प्रे बॉटल ले लीजिए 1 से 2 लीटर और उसे मिक्स कर लीजिए। और आपको याद रखना है कि इसको बहुत हाई मात्रा में नहीं देना है, आपको छोटे कम मात्रा में देना है, क्योंकि गर्मियाँ बढ़ गई हैं। और आपको देने का सही समय है शाम के वक्त। मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करना था इसलिए मैं सुबह के वक्त दे रहा हूँ, फिर भी मैंने अर्ली मॉर्निंग दिया था जब इन पर धूप नहीं लगना स्टार्ट हुआ था, मतलब वही 7:30 के आसपास जब इन पर धूप नहीं लगी थी, तो मैं उस वक्त इन पर स्प्रे किया था। आप स्प्रे करेंगे तो या तो अर्ली मॉर्निंग कीजिए, सुबह जितने जल्दी हो जाए जब तक धूप ना पड़े, और उससे बेटर होगा कि आप शाम को कीजिए। तो शाम को करेंगे तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा, रोज़ में कोई हार्म नहीं होगा। अगर आप बिगनर हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आप शाम को कीजिए, और आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप सुबह इसको कर सकते हैं। लेकिन इसका जो वॉल्यूम है, जो मात्रा है इंसेक्टिसाइड का, वो आपको कम लेना है।
ये हो गया। और अगर आप शुरू से इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हुए आए हैं जैसे विंटर सीजन में भी, तो आप जैसे रेगुलर कर रहे होंगे तो अब आपको रेगुलर नहीं करना है। मतलब पहले आप हर हफ्ते करते थे, हालांकि मैंने विंटर में कोई भी इंसेक्टिसाइड इन पर स्प्रे नहीं किया है। हाँ, जब इन पर माइट्स का अटैक होने लगा तब मैंने एक बार स्प्रे किया था, उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, उसके बाद मैंने एक बार भी स्प्रे नहीं किया था। और अभी मैं दूसरी या तीसरी बार स्प्रे कर रहा हूँ इंसेक्टिसाइड अपने गार्डन में, क्योंकि अब जो हो रहा है थ्रिप्स का अटैक होना शुरू हो गया है। और थ्रिप्स एक बार अटैक करेगा तो फिर वो रुकेगा नहीं, पूरा प्लांट को आपको मतलब कर्ल कर देगा और ख़राब करने लगेगा धीरे धीरे। तो बेटर है आप पहले से इसे प्रिकॉशन ले लीजिए और स्प्रे करना अपने गार्डन में भी शुरू कर दीजिए। स्प्रे की टाइमिंग अगर आप पहले हफ्ते में एक बार करते थे, आपको कम से कम 15 दिन में एक बार करना है, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है और गर्मी से प्लांट में भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो बेटर है आप इसे 15 दिन में एक बार कीजिए और महीने में दो बार, गर्मी और बढ़ जाएगी तो आपको देना है फिर महीने में एक बार स्प्रे करना है, तो इससे आपके प्लांट भी बचे रहेंगे। और आप मेरे चैनल तो फॉलो कर ही लिया होगा अब तक, और कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।